ये जो इतनी तबाही इस बारी जो जून के महीने में हुई बारिश के कारण, जहां पर बाढ़ आई इतनी जबरदस्त, और हमारे इलाके के अंदर पानी के, क्योंकि इतना जबरदस्त बारिश थी तो पानी जो है वहां पे वाटर लॉगिंग बहुत जबरदस्त हुई है। बिल्कुल, आपको मैं नाम बता दूं कौन कौन से गांव है। सुनिए सुनिए, बापुड़ा बापुड़ा मिरान। अब ये अगर ये बात हो रही है तो चलिए आप मेरे साथ अभी। हाँ, ये कौन होते हैं आप ना? आप प्रश्न तो पूछे, ये नहीं जा सकते ना, ये नहीं जा सकते। किसानों ने इनका घर खराब कर रखा है, इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता हुआ। किरण चौधरी जी, एक मंत्री जी, वो जो तोसाम जो हल्का है वो मेरे हल्के के बिल्कुल साथ लगता है। आप मैं बता रही हूँ ना, वाटर लॉगिंग क्या बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, क्या जबरदस्त वाटर लॉगिंग हो रही है। आप प्रशांत पानी मांग रहे हैं, डूबा हुआ है। मैं बताती हूँ ना कौन कौन से गाँव के अंदर जो है क्या हाल हो रहे हैं। पूछो जो है, वाटर लॉगिंग इतनी जबरदस्त तरीके से हो रही है, और आप मेरे साथ चल के देखिए अगर आप ये बात मानते नहीं है। बापुड़ा के अंदर, मिरान में, बीरन में, दांग में, सागवन में, भेरा में, ईसरवाल में, सडवा में, मालवास में, ये सारे गांव के अंदर बहुत ज्यादा बारिश के कारण बहुत जबरदस्त वाटर लॉगिंग हुई है। और अभी नहीं, हमेशा होती है ये, एक बारी तो और भी बुरा हाल हुआ है। खैर अध्यक्ष जी, ये जब इनको जब कुछ पता नहीं है तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हल्का मेरा है, मुझे मालूम है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी इन्होंने एक यही मंत्री जी ने ये बात कही कि जो है फसल बीमा योजना जो है वो स्वेच्छा से है। ये सबसे बड़ी झूठ है, स्वेच्छा कुछ नहीं है इसमें। प्रश्न पूछ, नहीं नहीं प्रश्न पूछ लो आप। फसल बीमा योजना अलग विषय है, ये बाढ़ का विषय, बाढ़ पे प्रश्न। बाढ़ का ही विषय है तभी मैं पूछ रही हूं ना। मैं दोबारा से कहता हूं, बाढ़ का विषय तभी मैं पूछ रही हूं। कोई भी किसान अपनी मर्जी से चाहे तभी फसल बीमा योजना होती है। पटल के ऊपर जब ये बात कही जाती है तो गलत बात जो कहता है मुझे बताइए, ये फैसला क्या कार्रवाई करी जाएगी? झूठ कौन बोल रहा है? आप क्या कार्रवाई करी जाएगी आप ये बताइए मुझे। हमारे दोनों में से अगर ये स्वेच्छा से ना हो, अगर ये स्वेच्छा से ना हो तो फैसला किया जाए कि हमारे दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। बिल्कुल, उसको सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, एक मिनट, हाउस की कमेटी बनाओ, हाउस की कमेटी बनाओ, हाउस की कमेटी बनाओ और फैसला करो। यहाँ पर हजारों दर्जनों के जो है एफिडेविट ला के रख दूंगी, जहाँ पे स्वेच्छा से नहीं, जबरदस्ती केसीसी कार्ड से बगैर उससे काटी जाती है। क्या बात करते हैं, बहुत पुरानी बात होगी। बहुत पुरानी बात नहीं है, ये भी बात है। ये तो इन्हें बेरा है, बाहर निकल रहे हैं तो ये बात करेंगे, ये खत्म हो रहा है सौदा सारा। मैं दूसरा मेरा प्रश्न, दूसरा मेरा प्रश्न, आप इस बात का फैसला करवा दें। हर बार यही चर्चा आती है, हर बार यही चर्चा आती है। मैंने ये मैं कहता हूँ कि जो जिसकी बात गलत निकले वो सदस्य ना रहे। मैं कह रही हूँ ना, स्वेच्छा से नहीं है। मैं अभी सदन पटल पे कह रही हूँ, सदन पटल पे मैं कह रही हूँ, स्वेच्छा से नहीं। मैं कह रहा हूँ, गुमराह नहीं कर रही, गुमराह आपने हमेशा करा है और आप हमेशा गुमराह करते हैं। अगर मैं गलत होगा ये गलत होते हैं, इनकी जो भी जबान है सदन के अंदर जो भी बोलते हैं सारा गुमराह करने वाली बात करी जाती है। अध्यक्ष अध्यक्ष तो आप मेरे से बोले, ये बोले क्यों नहीं दे रहे? अपना प्रश्न देखो मंत्री जी की है, एक मिनट बात रख रही है, एक मिनट जो सदन के अंदर जो बात, आप जो बात कह रहे हो उस बात के ऊपर मैं रख रही हूं। आप कोई बात कह रहे हो और अगर वो बात सही नहीं है तो मंत्री जी उस पर अपनी टिप्पणी तो देंगे। मंत्री जी ने ये कहा है कि जो बीमा योजना है वो स्वेच्छा से है। स्वेच्छा से अध्यक्ष जी, खाली कागजों में दिखाई हुई है, जबरन केसीसी कार्ड से जो किसान नहीं भी चाहते उनका भी जो है बीमा कटता है। इसमें एक विषय काट लिया जाता है बगैर मुख्यमंत्री महोदय, आपके पास ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वॉलंटरी है, वॉलंटरी उनके लिए जो लोनी नहीं है। जो लोनी है उनका बैंक के अंदर जो उनका 2% या 5% का शेयर है वो काटते हैं, और वो इसलिए काटते हैं, नहीं नहीं वो काटने बैंक तो सुनिए, किसान अगर बैंक में लिख के दे देगा तो नहीं काटेगा। हाँ? किसान अगर बैंक में लिख के दे दे, क्या बैंक में क्या कि मुझे बीमा नहीं कराना, नहीं काटेगा बैंक। अच्छा, बैंक वो कहते नहीं काटेगा।
ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया, देता है तो काटता है, इसका मतलब ये हो गया कि वॉलंटरी हो गया, लेकिन जो कि उन्होंने लोन लिया हुआ है इसलिए बीमा अगर कोई करवाते हैं कंपनी से तो पैसा जो आएगा वो बैंक में आएगा, अगर लॉस बैंक का होता उसके कारण से तो बैंक ने लोन दिया उसका फसली बीमा होता इसलिए कि फसल बेच करके और उस लोन को वापस करेंगे, और फसल हुई नहीं, फसल का हुआ खराबा, खराबे का मिला कंपनसेशन, तो कंपनसेशन अगर बैंक में जाएगा तो जो उसने फसल के नाते से पैसा देना था तो उस कंपनसेशन से बैंक लेगा ना, बैंक तो कैसे लेगा, इसलिए बैंक वाले वो लिखवा के और ले लेते हैं। ये जो है जो ये विषय जो है ये जो है ये फसल बीमा योजना जो है एक मिनट भाई, ये फसल बीमा योजना अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना जो है लोन रिकवरी स्कीम बना दी इन्होंने, नहीं लोन रिकवरी स्कीम अध्यक्ष महोदय काटते में बीमा चल गया जी, यहाँ तक के कोई मेले में भी जाना जी तो उसका भी बीमा है, कान यू की हर जगह बीमा है, मतलब एक सबसे बड़े वर्ग को उसको ये मिसगाइड कर रहे हैं कि बीमा गलत है, बीमा ना करवाओ, बीमा गलत है, लोन मतलब जहाँ बीमे के लिए सारी दुनिया में हर चीज का, अगर आपने सेटेलाइट में उसका भी बीमा रहा अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाज का भी अध्यक्ष महोदय वहां भी बीमा रहा, और ये एक सबसे बड़े वर्ग को कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े वर्ग अध्यक्ष महोदय गाइड करती हूँ गलत कि भाई बीमा गलत है, बीमा गलत है, बीमा गलत है, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय एक मिनट, अध्यक्ष महोदय हम लिख साहब नेता विपक्ष बोल रहे हैं, नेता विपक्ष बोल रहे हैं आप सुन तो लो, खड़ा हूँ तुम तो बैठ जाओ कम से कम, अध्यक्ष महोदय जो मंत्री जी कह रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा इंश्योरेंस जो है ठीक होनी चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी है वो लोन रिकवरी स्कीम लगाकर उनको ही आमदनी है, अगर फसल इंश्योरेंस करनी है आपने तो आप नेशनलाइज बैंक से करो, नेशनलाइज कंपनी से करो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए रोटेटिंग फंड रखो, यहाँ हेफेड के जुम्मे लगाओ, किसी के जुम्मे लगाओ जो सरकारी हो इंश्योरेंस, ये तो प्राइवेट कंपनियों को दे रखा आपने, और बैंक जो है उसी को आपने लोन रिकवरी स्कीम में काटते हैं उनको, प्रश्न पूछे तो आप जी, अब तो स्पष्ट हो गया, नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया सही बात जो बोली है, तो सदन को कभी भी गुमराह नहीं करना चाहिए, ये बात है मेरे, और मंत्री अगर गुमराह करते हैं तो और भी बुरी बात है, बाढ़ से रिलेटेड प्रश्न, हाँ बिल्कुल, अब इसको इस्तीफा देंगे क्या इनसे पूछ लेना, खैर एनीवे अध्यक्ष मैं आज अब फिर कहता हूँ कि योजना स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक कंपलसरी नहीं है, बात कर रहे हैं इन्हें मालूम ही नहीं अपने इलाके, सुनिए आप प्रश्न पूछिए प्लीज, प्रश्न पूछो ये अध्यक्ष जी, ये जो कंपनी है अभी ये बोला माननीय सदस्य जी ने बोला कि प्रीमियम काट लिया जाता है, ये कंपनियां जो है वो निर्धारित करी नहीं गई है, तो ये प्रश्न नहीं पूछ रहे थे नीरज शर्मा जी, नहीं ये क्या बात हो रही है, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, पूछ क्यों रहे, आप डिबेट का विषय क्या, आप सबको इतना डिबेट का विषय, आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे कितने देर चलाओगे, खाली प्रश्न पूछा है, खाली इंडस्ट्री का टाइम होता होगा, कितना टाइम चलाना है इसको, मैं खाली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप पूछो प्रश्न पूछो, दिस इज नॉट राइट, ये अध्यक्ष जी जो ये बीमा कंपनियां इनका जो है ये क्या सच्ची बात है कि वहां पे निर्धारित नहीं करी गई है और फिर भी किसान का जो है प्रीमियम काटा गया है, इसका जवाब दें। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो ड्रेन्स हैं जो सारे सदस्यों ने कहा इतने सालों से ये जो क्लॉगिंग हो रही थी ड्रेन्स की 7-8 साल तक जो है उनकी सफाई नहीं हुई है, किस किस कहते हैं वो जो है कर्मचारी पे या अफसर पे किस किस उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है और क्या कार्रवाई करी गई है वो हमें बताएं। अध्यक्ष जी हमारा जो है ये जो इतने सारे 20-22-40 करीब जो है खुद ही इन्होंने माना है कि घर जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, तो कितना कॉम्पनसेशन उन घर को जो है घर वालों को दिया जा रहा है, उसके अंदर जो है कितना कॉम्पनसेशन हमारे किसान भाइयों को दिया जा रहा है जिनका पूरा नष्ट हो गया है, कितना कॉम्पनसेशन उसके अंदर मनरेगा और जो हमारे लेबरर्स हैं जो गरीब आदमी हैं जिनके उनके भी सब कुछ खत्म हो गया वो कितना कॉम्पनसेशन उनको दिया जा रहा है, ये सारे इसके प्रश्न के अंत जो है उत्तर दिए जाए। और फिर दोबारा से मैं एक बात आज सदन के अंदर कहती हूँ कि जो भी सदन को इस तरह से गुमराह करा जाता है वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और अगर मंत्री करते हैं इससे ज्यादा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। नीरज शर्मा जी अध्यक्ष महोदय
पहली बात तो